अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अविनाश कौशिक की पत्नी डॉक्टर महिमा शर्मा का मोबाइल रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी हो गया, जिसे लेकर सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डॉक्टर महिमा शर्मा ने बताया कि वह अपने जरूरी काम से रोडवेज बस स्टैंड पर वोल्वो बस के जरिए जयपुर जाने वाली थी। इसी दौरान बस में एक बच्चा उनके पीछे पीछे चढ़ा और वो मोबाइल चुरा कर फरार हो गया। चोरी की शिकायत उन्होंने बस स्टैंड पुलिस चौकी पर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। साथ ही चोरी करने वाले नाबालिग चोर की तस्वीर भी सामने आ गई है। इस मामले में फिलहाल उनका मोबाइल अब तक नहीं मिला है, जिसे लेकर उन्होंने जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई की मांग की है, जिससे कि उनका मोबाइल बरामद हो सके। मैं जयपुर जा रही थी यहाँ से, अजमेर से वॉल्वो बस से। सुबह 8:30 बजे की बस थी मेरी, बट बस थोड़ा सा लेट आई फॉग के चक्कर में। पर जैसे ही मैं क्या बस में बैठने जा रही थी, चढ़ी जैसे ही मैं बस के अंदर, तो वो एक लड़का बच्चा सा था, 12-13 साल की उम्र का सा, तो वो मेरे पीछे पीछे चढ़ गया। और जैसे ही मैं अंदर पहुंची, 8-9 नंबर सीट पे मैं खड़ी थी, तो उसने क्या मेरे साइड वाले पॉकेट से मेरा फ़ोन निकाल लिया। आईफोन 14 था मेरे पास, तो एक सेकंड में निकाल लिया उसने तुरंत ही। और फिर मैं जैसे ही मेरे को पता चला कि उसने मेरा फ़ोन निकाल लिया है, पीछे मुड़ के मैंने देखा तो ग्रे कलर की जैकेट पहन के एक लड़का भाग रहा था मेरा फ़ोन लेके। फिर मैं उसके पीछे भागी, पर मेरे क्या हाथ में नहीं आया, वो इधर उधर चला गया। फिर हमने इधर उधर पूछा, हमें कोई ऐसे जानकारी मिली नहीं कि इस तरीके का लड़का कोई गया है। फिर हम परेशान थे उस टाइम पे, तो फिर हमने पुलिस चौकी गए वहाँ पे जो बस स्टैंड पे है। फिर उन्होंने हमें पुलिस जो सिविल लाइन्स वाला पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हमें भेजा। वहाँ पे FIR हमने दर्ज कराई, सारी कागजी कार्रवाई हमने वहाँ पे करवाई। फिर उन लोगों ने भी CCTV वगैरह हमें दिखाया, तो CCTV में वो लड़का आ गया, उसकी फ़ोटो मेरे पास है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। लगभग 12-15 साल का लड़का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा उम्र का नहीं था, बच्चा सा ही था वो। पर उसने चुराया फ़ोन मेरा, और आईफोन 14 था मेरे पास उस टाइम पे। और पता चला कि मेरा फ़ोन अभी ऑन हुआ है, कि 26 जनवरी की बात हो गई, अभी दो दिन पहले मेरा फ़ोन ऑन हुआ था जयपुर के अंदर। 4:30 बजे की एक लोकेशन आ रही थी, एप्पल आईडी से हमने ट्रैक करने की कोशिश करी, तो हमारे साथ पुलिस फिर गई यहाँ की। हम लोग जयपुर भी गए, वहाँ पे हमने तलाशी देखी, वहाँ पे क्या झुग्गी झोपड़ियाँ सी बनी हुई हैं, तो वहाँ की लोकेशन आ रही थी। पर वहाँ पे हमें कुछ ऐसा कोई पता नहीं चला कि किसने फ़ोन चुराया, या फिर हमें अभी तक फ़ोन भी नहीं मिला है। फिर भी पुलिस भी ट्राई कर रही है, और हम लोग भी बस यही उम्मीद है कि हमारा फ़ोन मिल जाए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरे साथ ये जो घटना हुई है वो वॉल्वो बस के अंदर हुई है। मतलब बस स्टेशन पे होती तो एक चलो मान लेती मैं, या फिर कोई रोडवेज बस में होती, पर वॉल्वो जैसी बस जो एक लग्जरी बस है, जिसमें आप महिला, उसमें भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि वॉल्वो जैसी बस में अगर ऐसी घटनाएँ होंगी, तो फिर हम किस में ट्रैवल करें।